Hello everyone, welcome all of you in my YouTube channel MacTent. So आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग माइक्रो टीचिंग के बीएड माइक्रो टीचिंग के लिए कैसे पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंटेशन, आपको अगर प्रेजेंटेशन दिया हो बीएड में, ठीक है, कि माइक्रो टीचिंग आपको प्रेजेंट करना होगा, तो उसके पहले पीपीटी बनाना होगा, ठीक है। पीपीटी से आपको प्रेजेंट करना होगा, तो मैंने, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, ठीक है, तो मैंने स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, बहुत सारे स्किल्स है, ठीक है, तो मैंने स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग चूज किया है, मुझे ईजी लगा बहुत, ठीक है। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग चूज किया है फॉर माय सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए। कैसे प्रिपेयर, मतलब कैसे बनाना है माइक्रो टीचिंग का पीपीटी, वो देखते हैं। चलिए, सो देखिए, पहले आपको यहाँ पे पावर पॉइंट में जाना होगा, ठीक है। तो पहले टाइप कीजिए पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट है, पहले ऑन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिपेयर कर रखा है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पेज आपको बनाना है ए, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, ठीक है। मतलब कोई भी फाइल में जाइए, फाइल में कोई भी न्यू करके जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉलेज नाम दे दीजिए, उसके बाद माइक्रो टीचिंग, उसके बाद आपका नेम देना है, उसके बाद रोल नंबर, सेमिस्टर, कोर्स, ठीक है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है ये, मेथड सब्जेक्ट देना है, उसके बाद सेशन देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो न्यू स्लाइड दिख रहा है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं पेज, जब भी करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको देना है ये, उसके बाद एक और पेज देना है स्किल ऑफ, क्या, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है, ये क्लास 10 का है, ठीक है, मैंने क्लास 10 का लिया है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री लिया है मैंने, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। उसके बाद आपको ये देना है ऑनलाइन ऑफ आउटलाइन ऑफ कंटेंट लेसन कंपोनेंट्स प्रोसीड्यूरल डिटेल्स, ठीक है। इस कॉलम में होगा आउटलाइन ऑफ कंटेंट लेसन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। उसके बाद कंपोनेंट में मैंने दिया है क्लैरिटी एंड प्रेसिशन प्रिसाइसनेस ऑफ द लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल डिटेल्स तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सिंस ये जो है ये क्वेश्चनिंग है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, तो आपको क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आउटलाइन ऑफ कंटेंट लेसन में एक और रो होगा, इसमें सब कुछ देना होगा। उसके बाद ए, तो ए हो जाएगा आपको, बहुत ही ईजी है, ओके। सेकंड पॉइंट में मैंने दिया है फ्रॉम द वेरियस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। उसके बाद कंपोनेंट क्या होगा, बिल्ड रिलेशन विद द लेसन, ओके, लेसन के साथ रिलेशन। उसके बाद प्रोसीड्यूरल डिटेल्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना होगा इससे, इफ द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा नोन देन हाउ डू यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉट थीटा एंड थीटा, ओके। उसके बाद सेकंड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये तो आप बना लिए, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद, उसके बाद आपको अगर प्रेजेंट करने बोले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग और यहाँ पे स्लाइड शो है, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप, मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड। देखिए अब मैंने यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर रखा है, ठीक है, इसलिए ऐसे ऐसे आएगा। एनिमेशन कैसे ऐड करना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज, उसके बाद आपको ये, ठीक है। यहाँ से आप जो है, मतलब अगर इंक यूज करना चाहते हो तो इंक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंक भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इरेज करना चाहते हो, इरेज हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आपको प्रिंट करना होगा, राइट। सो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी एक अच्छा सा, मतलब बीएड का एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे और भी वीडियो ऐसे, मतलब बीएड का सारे कंटेंट आप चाहते हो कि मैं एज ए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।